हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका ज्योग्राफी। और इसी 11वीं क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, एक एक करके हम सारे स्टेप बाय स्टेप चीजों को पढ़ रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 7 को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 जो है आपके सामने है, और चैप्टर नंबर 7 में क्या है, ध्यान दें आप सभी बच्चे, भू आकृति एवं उनका विकास। कि जो आपकी भू आकृतियां हैं, भू आकृति मतलब जो अभी आपके लैंडस्केप फॉर्म जो आपके बनते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, बेसिकली उनका डेवलपमेंट फॉर्मेशन क्या है, उसी को हम लोग इसमें गौर करके एक एक करके इन सारी चीजों को आपका देखने वाले हैं। क्लियर है? मैं उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आपने पिछला चैप्टर बहुत अच्छे से रिविजन किया होगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आइए सबसे पहले चैप्टर के प्रश्नभूमि पर चलते हैं। कह रहे, पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की प्रक्रिया। अपक्षय और अपरदन को आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि अपक्षय क्या है। अपक्षय जो आपका जो होता है वायु से, जिस प्रकार केमिकल, जैविक और आपका फिजिकली जो होता है वो आप देख चुके हैं कि वहां प्रक्रिया के पश्चात भू आकृति कारक जैसे प्रवाहित जल, भूगत जल, प्रवाहित जल मतलब जो आपका जल बह रहा है, आपका भूगत जल यानी जो भूमि के अंदर है, वायु यानी कि एयर, हिमनद मतलब बर्फ के बड़े बड़े खंड, तरंग अपरदन करते हैं। तरंग अपरदन का मतलब है जब आपकी हवा बहती है, पानी बहता है, या आपकी कोई आपका हिमखंड है, जिस पार्ट से वो गुजरते हैं उसका उस पार्ट से वो अपरदन करते हुए आपका चलते हैं। और आप जानते हैं कि अपरदन धरातलीय स्वरूप को बदल देता है। क्या करता है? अपरदन धरातलीय जो आपका स्पेस सरफेस है उसको बदल देता है। कैसे? मान लीजिए अभी तो कोई मैदान था, और जब आपका मैदान में से आपका नदी प्रवेश कर गई तो आप देखेंगे तो उसमें नदी प्रवेश करने के साथ उसके साथ कंकड़ पत्थर बालू होता है, तो किसी का वो निक्षेप करती जाती है और बहुत सारी चीजों का वो अपरदन करती चली जाती है। तो जिस तरह का पहला स्पेस था, जिस तरह की आकृति थी, उसमें उसको बदलाव जो है आपका नजर आता है। निक्षेपण प्रक्रिया अपरदन प्रक्रिया का परिमाण है। कह रहे हैं जो आपका निक्षेपण, जो आपकी प्रक्रिया है, वो अपरदन प्रक्रिया का ही आपका क्या है, परिमाण है। निक्षेपण से धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन आता है। जब किसी चीज का डिपोजिशनल होता है, किसी चीज का जमाव होता है, तो अलग अलग स्वरूप में उसकी परिवर्तन होता है और स्थल आकृति आपका बनती है, स्थल चीजें बनती है। क्योंकि यह अध्याय भू आकृति तथा उनके विकास से संबंधित है। भू आकृति मतलब जो भी आपका जल, वायु, हिमनद से जो भी आपका स्पेस स्ट्रक्चर्स बनते हैं, आकृति बनती है, ये उनको इंडिकेट करता है। सबसे पहले ये जानने के लिए भू आकृति क्या है, साधारण शब्दों में छोटे माध्यम के आकार में, क्या कह रहे हैं? साधारण शब्दों में कह रहे हैं कि छोटे से मध्य आकार, छोटा होगा या मीडियम होगा, मध्य आकार के भूखंडों को आपके कहलाते हैं। कि जो छोटे होते हैं, मध्य भूखंड भाग होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम सब ये कहते हैं। कि ये क्या है, बेसिकली आपका ध्यान रखना है, आपका भूखंड है। अगर पृथ्वी के छोटे से मध्य आकार के स्थलखंड को भू आकृति कहते हैं तो भूदृश्य क्या है? कह रहे हैं कि अगर आप इसको भू आकृति कह दोगे कि छोटा स्थलखंड भाग है, तो भूदृश्य क्या है, आप इसको क्या कहोगे? कह रहे हैं बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर भू दृश्य बनाती हैं। बहुत सारी भू दृश्य मिलकर क्या बनाती हैं, भू आकृति बनाती हैं। जो भूतल के विस्तृत भाग में है, प्रत्येक भू आकृति अपनी भौतिक आकृति, आकार व अपरदन के होते हैं। कैसे होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ भू प्रक्रियाओं एवं उनके कारकों द्वारा निर्मित अधिकतर भू आकृतियां प्रक्रिया धीमी गति से कर रखा, ऐसे करती हैं, बहुत आपका स्लो स्थिति में क्या रहती हैं, वो अपना जो वर्किंग है वो वर्किंग पोजीशन में आपका रखती हैं, और जो उनकी गति है वो बड़ी स्लो है। इसी कारण से उनका आकार बनने में लंबा समय लगता है। प्रत्येक भू आकृति का एक लंबा प्रारंभ होता है। भू आकृति के एक बार बनने के बाद उनका आकार आकृति प्रकृति में बदल आता है। कैसे होता है? उनमें ये सारे जो चेंजेस हैं ये आपका बिल्कुल स्पष्ट रूप से उनको दिखता है, और इसमें जो है आपका बदलाव जो है आपका नजर आता है।
जो भू आकृति प्रक्रियाओं और कार्यकर्ताओं को लगातार धीमी अथवा तेज गति का कारण होता है। कैसे होता है? धीमी अथवा तेज गति का कारण होता है। जलवायु संबंधित बदलाव तथा वायु राशि के ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज संचलन के कारण भू आकृति प्रक्रियाओं की गहनता से स्वयं की ये प्रक्रियाएं स्वास्थ्य परिवर्तित हो जाती हैं, जिन्हें भू आकृति रूपांतरित होती है। इससे क्या होता है? जो भू स्ट्रक्चर है उसमें आपका बदलाव होता है। विकास का ये अर्थ भूतल के एक भाग आपका भू आकृति तथा दूसरी भू आकृति एक भू आकृति के रूप में दूसरे रूप में परिवर्तन होने की अवस्था है। कह रहे हैं कि एक आकृति दूसरी भू आकृति के रूप में जो आपका परिवर्तित हो जाए उसी को हम कहते हैं ये भू आकृति व्यवस्था है, भू आकृति परिवर्तन है, जो हमको यहाँ पर क्या है देखने के लिए मिलता है। देखिए, भू आकृति परिवर्तन का मतलब क्या है? पहले कोई स्थलखंड था या कोई आपकी शिला थी, जब उस पर अपरदन हुआ, चाहे वो वायु की गति से हुआ हो, चाहे आपके जल से जल जनित कारकों से हुआ हो, तो मान लीजिए एक कोई गोल आपका शिलखंड थी या फिर कोई आपका टूटी फूटी थी, लेकिन जैसे उसका वायु अपरदन हुआ या जल अपरदन हुआ, तो वायु अपरदन में बहुत सारे कंकड़ पत्थर भूर होते हैं, बहुत बारीक दस्त होती है, वो क्या करती होगी, उनको काटती है, या जल के साथ बहुत सारे कंकड़ महीन बालू मृतिका और छोटे कंकड़ होते हैं, क्लियर है, उससे क्या होता है आपका कटाव होता है। उसी कटाव होने की वजह से जो आपकी शिला था, जो खंड था, उसको जिस तरीके का भाग था उसको काट कर डिफरेंट रूप में हमारे सामने कर देती है। जैसे मैंने आपको छतरी नुमा एक आकृति दिखाई थी पिछले बाप के चैप्टर में, मैंने अपरदन को आपको दिखाया था कि अपरदन कैसे होता है, क्लियर है, तो इस प्रकार उनको चेंज करते हैं। कह रहे अभिप्राय मतलब इसका मीनिंग है कि प्रत्येक भू आकृति के विकास का एक इतिहास है। कह रहे जितनी भी ज्योग्राफिकल भू आकृति बनती है, जो भी कुछ आपका चेंजेस ये सारे बाप का नजर आते हैं, कह रहे हैं कि इनका एक बहुत लंबा इतिहास है और समय के साथ उनका परिवर्तन हुआ है। एक बहुत बड़ा पुरानी हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो होगी बच्चों, क्योंकि कोई भी चीज एक दिन में इतना बड़ा बदलाव नहीं आता, उसमें बहुत धीरे धीरे और बहुत स्लो स्तर पर क्या होता है बदलाव होता है, और समय के साथ परिवर्तन हुआ है, साथ ही स्थल रूप में भी परिवर्तित से गुजर रहा है, जिसकी तुलना में जीवन की अवस्थाओं युवा अवस्था प्रौढ़ अवस्था वृद्धावस्था से की ओर ले जाती है। कह रही ये सारी चीजें इसमें बहुत अलग से हमको परिवर्तन दिखाई देती है और उनकी भी कुछ स्टेप है, जैसे युवा अवस्था, एक प्रौढ़ अवस्था और एक आपकी वृद्धावस्था, यानी कि तीन स्टेप में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है और आप इन तीनों स्टेप को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये तीनों अलग अलग जो स्टेप है उन सारे स्टेपों को ये सारी चीज होती है और आप इनको देख सकते हैं, देख लिया। अब कह रहे हैं प्रवाहित जल, सबसे पहले अब आपको इतना थोड़ा सा एक बार वापस देख लीजिए, यहां तक तो कुछ पूछना है, जैसे आकार आकृति और प्रकृति। आकार मतलब किसी का साइज, आकृति मतलब उसका स्ट्रक्चर में जो बदलाव हुआ, प्रकृति मतलब नेचर, वो कैसी थी, उसका स्वरूप बदल जाए। जैसे मान लीजिए आपका कोयला था, दाब ताप लगा तो आपका डायमंड बन गया, तो उसका क्या हुआ, ये बेसिकली उसका प्रकृति थी, जो आपका नेचर था वो चेंज हो गया। तो इन सब में आपका परिवर्तन, आकार आकृति प्रकृति, इनमें आपको परिवर्तन देखना पड़ता है, और भू आकृति प्रक्रियाएं धीमी गति से कार्य करती हैं, क्लियर है, भूतल पर जो उनका प्रभाव है, ये सारे प्रभाव उनके आपको स्पष्ट रूप से निक्षेपित करके आपको एक एक करके ये सारा आपको दिखाई देता है, क्लियर है, देख लिया, देख लिया। प्रवाहित जल की हम लोग आपका बात कर रहे हैं, जो आपका प्रवाहित जल है, ठीक। आंध्र प्रदेशों में जहां अत्यधिक वर्षा होती है, प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण है। यानी जिन क्षेत्रों में आपका सबसे ज्यादा आपका वर्षा है, वहां जहां पर आंध्र प्रदेश है, जिनमें ह्यूमिडिटी ज्यादा है, वहां पर क्या होती है आपकी अत्यधिक वर्षा होती है, आप देख सकते हैं। अच्छा, पहले ये बताइए आर्द्रता कहाँ होगी, ह्यूमिडिटी कहाँ होगी? जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उनको सूर्य तप जो है, सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ेगा, और सूर्य का प्रकाश आपके लैंड पे भी पड़ता है और आपकी वाटर बॉडी पे भी पड़ता है। तो जहां पर वाटर बॉडी होगी तो उसका पानी का क्या होगा, आपका कंडेंसेशन होगा, यानी कि जलवाष्प बनेगी, और जलवाष्प बनेगी तो वो गर्म होकर हल्की होकर कहां उठेगी, ऊपर की ओर उठेगी, और एक हिमांग बिंदु पर पहुंचकर वो ऊपर धूल की कण या आपस जलवाष्प आपस में मिल जाएंगे, फिर वो संघनन करेंगे और उसी कंडेंसेशन से क्या होगी, वर्षा होगी।
इसलिए जहां पर भी जिन भी प्रदेश में जिन भी रीजन में आपका क्या बोलते हैं आर्द्रता ज्यादा होती है ह्यूमिडिटी, वहां पर क्या होती है आपका दोपहर के बाद आपकी बरसात। जैसे एग्जाम्पल आप देखोगे 0 से 5 डिग्री आपका नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ जो आपका अक्षांश है उन पर ये ऐसी स्थिति देखने के लिए मिलती है। और कहीं कहीं भी आपका क्षेत्रीय विशेष पर जहाँ टेम्परेचर अधिक है और पास में आपका समुद्र है कोई बड़ी नदी है तो वहां पर भी इस प्रकार की कंडीशन आपको देखने के लिए मिल सकती है। क्लियर है? तो कह रहे हैं जहाँ आर्द्र प्रदेश है वहां क्या होती है जहां अत्यधिक वर्षा होती है प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति कारक है। और कह रहे हैं जो प्रवाहित होने वाला जल है वो सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति कैसा है कारक है जो धरातल के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। निम्नीकरण का उसका डी जो उसका घट रहा है जो उसके चेंजेस में जो नष्ट हो रहा है उसके निम्नीकरण में आपका जिम्मेदार है। अब आप सोचिए बारिश हो रही है और अगर मूसलाधार बारिश हो तो क्या मिट्टी का कटाव होता है? हाँ, अगर बादल फट जाए बहुत तेज वर्षा हो तो उसमें ये सारे फैक्टर काम करते हैं। कह रहे प्रवाहित जल दो तत्व है, कह रहे जो जल है प्रवाहित उसके भी दो तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं? देखिए एक है धरातल के ऊपर स्वरूप फैला हुआ, एक तो वो है जो आपका धरातल है उस धरातल के परात या उसका जो स्वरूप है ये आपको दिखाई देगा। और दूसरा है रेखीय प्रभाव जो घाटियों में नदियों में सरिताओं के रूप में बहता है। कैसे बहता है? रेखीय मतलब आपका सीधा बह गया, बारिश पड़ी पानी आया और सीधा एकदम से बहकर चला गया, वो तो आपका रेखीय हो गया। लेकिन एक और प्रभाव है जो कहाँ बहता है आपको पता होना चाहिए। दूसरा बह रहा है आपका घाटियों में रिवर वैली में नदियों में सरिताओं में जो झरने झील वगैरह हैं इनमें प्रभावित होता है। और कह रहे हैं कि प्रभावी जल द्वारा निम्न अधिकतर अपरदन स्थल स्वरूप ढाल प्रवणता के अनुरूप ही बहती है। कह रहे हैं कि जितनी भी आपकी नदी होंगी सरिता होगी अगर उनमें ढाल होगा स्लोप होगा उसके अनुरूप ही बहती है। यानी कि जिस तरह से जिस सरफेस एरिया में जिस तरफ को ढाल होगा उस तरफ ही क्या होगा आपकी ये नदी ये सरिता ये सब आपका बहती चली जाती है और उसी दिशा में उनका बेसिकली आउटफ्लो भी होता है। कह रहे हैं कि नदियों के आक्रामक युवावस्था संबंधित है। कह रहे अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा जो आपका नदी आक्रामक होती है, आक्रामक का मतलब ये नहीं कि वो आपका लड़ने आ गई, नहीं, आक्रामक का मतलब होती है जब उसके जल का भाव गति तेज होती है। आप देखिए जब कोई नदी पहाड़ों में से निकलती है ना तो झन 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 करके साय साय की आवाज आती है, क्लियर है, और बहुत तेज स्पीड में आपकी बहती है। तो नदी जब आपका पहाड़ से निकलती है जब पहाड़ में होती है और स्पीड बहुत तेज होती है तो हम इसको कहते हैं कि नदी अपनी युवावस्था। लेकिन जैसे ही वो नदी आपका मैदानी भाग में प्रवेश करती है, गंगा के एग्जाम्पल को ले लीजिए आप, जैसे गंगा आपका पहाड़ में बहती है आपका पहाड़ी रीजन में तो आप पहाड़ी रीजन में बहेगी उसका बहाव बहुत तेज होता है तो अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हिमखंड को अपने वहां से कटाव छटाव की मिट्टियां लेकर आती है और वो सारी चीज जब पहाड़ में चलती है तो बहुत ज्यादा आवाज सनसन की आवाज करती है। लेकिन जैसे ही वो आपका हरिद्वार यानी कि ऋषिकेश में प्रवेश करती है और हरिद्वार में पहुंचती है तो उसकी जल की गति मंद हो जाती है और आपका जल को उनके साथ कंकड़ पत्थर है मोटे वो उनका जमाव करना शुरू करती है और धीरे धीरे इस तरह से करके वो आपका बहने लगती है। तो वो अवस्था प्रौढ़ अवस्था है, यानी कि युवावस्था पहाड़ में है, प्रौढ़ अवस्था आपकी मैदान में है और वृद्ध अवस्था उसको कहते हैं जब नदी किसी समुद्र में या किसी के साथ मिलकर अपना कोई डेल्टा बनाती है। डेल्टा का मतलब है कि अपने द्वारा लाए गए निक्षेप का जब वो डिपोजिशन करती है उनको जमा करती है उस अवस्था को बोलते हैं वृद्ध अवस्था। क्लियर है? तो तीनों अवस्था आपको क्लियर होनी चाहिए। कह रहे युवावस्था संबंधित आक्रमक, यानी कि जो आक्रमक ऐसी मतलब जिसमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव टाइप में, वो कौन सी? युवावस्था, क्योंकि बहुत तेज चलती है। कह रहे कालांतर में यानी कि समय के साथ तेज ढाल लगातार अपरदन के कारण बंद ढाल में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए पहले ढाल तीव्र था तो इसलिए तेज चल रही थी लेकिन अब देखिए ये इस तरह से थी, जब इस तरह चली तो आपका ढाल हुआ लेकिन जैसी मैदानी भाग में वो आपका प्रवेश करेगी तो उसका भाग क्या हो जाएगा? पार्ट आपका शिथिल हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे आपका गमन करेगी। तो इसलिए ढाल का स्वरूप चेंज होने पर उसमें परिवर्तन दिखाई देता है। कह रहे परिमाण स्वरूप नदियों का वेग कम हो जाता है और इसका रिजल्टेंट निकलता है जो नदी है उनका जो वेग है वो आपका कम हो जाता है जिससे निक्षेपण आरंभ होता है। तेज ढाल से बहती हुई सरिता भी कुछ निक्षेपित भू आकृतियां बनाती है। कैसी है?
इनसे बहती हुई कुछ आपकी कुछ भू आकृतियां बनाती, लेकिन ये नदियों के माध्यम से धीमे ढाल पर बने आकार को अपेक्षित बहुत कम होते हैं। और कह रहे जो आपकी नदियां हैं और नदियों के माध्यम से जो आपके धीमे ढाल बने हैं, उन धीमे ढाल बनने पर आकारों में बहुत कम परिवर्तन होता है या बहुत कम आकार में आकार के होते हैं। प्रभावित जल का ढाल जितना मंद होगा उतना ही अधिक निक्षेपण होगा। कह रहे जो आपका जल ढाने वाला जो आपका बहता है, अगर स्लेप उसका कम होगा, स्लोप उसकी प्रवणता कम होगी, स्लोप अगर कम होगा जल उतना अधिक निक्षेपित होगा। यानी कि जितना आपका प्लेन एरिया में बहेगा उतना ही जो नदी के साथ किसी सरिता के साथ जो कंकड़ पत्थर बालू हैं उनका जमाव आपको अधिक देखने के लिए मिलेगा। ठीक, जब लगातार अपरदन के कारण नदी समतल हो जाए तो अधोमुखी कटाव कम हो जाता है और तटों का पार्श्व अपरदन बढ़ जाता है। कैसे होता है? उनका पार्श्व यानी कि जो उसके साइड के किनारे हैं उनका अपरदन बढ़ जाता है, तटों का में पार्श्व अपरदन बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप पहाड़ और घाटियां समतल मैदानों में परिवर्तित हो जाती हैं। बड़े बड़े पहाड़ को, बड़ी बड़ी जो आपकी गॉर्ज हैं, जो घाटियां हैं उनको काट देता है, निक्षेपण करता है, डिपोजिशन का उनको जमा करके प्लेन कर आपका चल जाता है। बेसिकली जितनी भी घाटियां बनती हैं या आपके नदी जो होती है, आपकी दो नदियों के बीच का जो भाग होता है, या कोई नदी अपना डिपोजिशन लाकर उसको जमा देती है, जैसे कश्मीर वैली बनी है वो झेलम नदी से बनी है। उत्तराखंड को देखिए, जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी जो आपका क्षेत्र है देहरादून, बेसिकली वो क्या है, दून और द्वार के कॉन्सेप्ट में फंसा हुआ है और एक प्लेन रीजन है, इसलिए बना है। उसका भू ज्योग्राफिकल कंडीशन को आप पढ़ोगे, भू आपके सन्नति पढ़ोगे और उसके साथ आप प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ोगे, जैसे आपके हिमालय बना था उसी के साथ ये आपका निक्षेपित से मैदान बना है, आपको और अच्छे समझ आएगा अगर और बढ़िया से स्टडी करोगे इसको। क्लियर है? तो फिलहाल तो इसका ये था कि कैसे बन रहा है, कैसे क्या स्वरूप है, इतना स्वरूप मैंने आपको बताने की कोशिश की है। फिलहाल जितना पढ़ा है इसमें एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ कुछ मिस कर दिया, यहाँ समझ नहीं आया आपको और आपने इस तरह छोड़ दिया कि मुझे समझ आ गया, और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको पीछे वाली चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, उनकी हेल्प होगी, उन शब्दावलियों की। अगर आपको वो नहीं आएंगे तो चैप्टर आपके सबसे ऊपर से गुजर जाए। देख लीजिए एक बार, देख लिया ना था किसी को डाउट, देख लिया। चलिए आगे बढ़ो, देखिए स्थला प्रभाव ओवरलैंड फ्लो परत अपरदन का कारण है। कह रहे जो ओवरलैंड फ्लो होती है वो क्या है, बेसिकली एक प्रकार का अपरदन है। परत प्रवाह अपरदन की अनियमितताओं यानी कि अनसर्टेनिटी के आधार पर संकीर्ण यानी कि छोटा विस्तृत मार्ग पर हो सकता है। जो आपका ओवरफ्लो होता है उसमें जो अनसर्टेनिटी है, मतलब कोई निश्चितता नहीं है कैसा होगा, उसको अगर आप देखोगे तो उसमें संकीर्ण यानी कि छोटा नैरो और विस्तृत दोनों ही जो मार्ग है वो आपका बन सकते हैं, आपको दिखाई देगा। प्रवाहित जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल कम या अधिक मात्रा में बहकर तलछटों के कारण छोटी व तुंग सरिताएं बनती हैं। उनके तलछटों के कारण क्या होते हैं, आपका छोटी व आपका जो तुंग सरिताएं हैं वो बनती हैं। और कह रहे हैं कि ये शुद्ध सरिताएं धीरे धीरे लंबी एवं विस्तृत अवनालिकाओं का विकास करते हैं। और कह रहे हैं इस तरह से ये छोटी छोटी जो अवनालिका है, ये तरंग है, ये इसका विकास करती हैं। इन अवनालिकाओं को कालांतर में अधिक गहरी, अधिक चौड़ी तथा लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे को समाहित होकर आपका घाटियों का जाल बना देती है। कैसे होती है अवनालिका? अवनालिका अपरदन समझते हो, जब आपका आप देखते हैं कि बेसिकली बारिश पड़ती है, जब आपकी वर्षा होती है तो छोटी छोटी पानियों जो आपके बहन लगती है जहां तहां को अलग अलग साइड में, वही है अवनालिका। और अवनालिका बेसिकली अगर आपको दिखने के लिए मिलेगा तो जो आपका चंबल का रीजन है, क्लियर है, वहां आपको बेस्ट एग्जांपल दी, उसमें बीहड़ बन जाते हैं वो क्यों बनते हैं, अवनालिका अपरदन के, क्लियर है, जो आपके चंबल के बीहड़ बनते हैं वो अवनालिका अपरदन के कारण बन जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में अधोमुखी कटाव यानी कि आधा कटाव होता है और जिससे अनियमितताएं जैसे जलप्रपात, आपका सौफन जलप्रपात आदि लुप्त हो जाते हैं, और मध्य अवस्था में सरिता नदी तल का धीमा कटाव करती है। अब देखिए
जब युवावस्था में होंगी तो सारी चीजें होंगी, स्पीड में कटाव होगा बड़ा अच्छा सा, क्लियर है, कहीं पर गॉर्ज बनाएंगी, कहीं पर कैनियन बनाएंगी, कहीं पर आपका जलप्रपात गिरेगा उस पत्थर को काटते हुए नीचे आ जाएगा, सोपन मतलब बहुत बड़ा भाग हो जाएगा, ये सारी चीजें होती है युवावस्था। लेकिन जैसे ही नदी आपका, ध्यान रखिए इसमें एक शब्द आया है कि जल सोपन सरिता कटाव धीमा कर देती है, जैसे ही वो मध्य अवस्था यानी कि युवा अवस्था से प्रौढ़ अवस्था में आती है ना, यानी कि बेसिकली जब वो मैदान में प्रवेश करती है, जो नदी है उसका तल का कटाव कैसा हो जाता है, धीमा, और घाटियों में पार संपर्दन अधिक होने लगता है, ठीक, साइडें कटने लगती हैं, कालांतर यानी कि समय के साथ, लंबा बहुत लंबे समय तक ये घटना होती रहती है समय के साथ, तो क्या होता है घाटियों के जो किनारे यानी कि साइड है उनके ढाल कैसे जाते हैं, मत यानी कि उनका जो स्लोप इस तरीके से वो आपको कम हो जाता है, यानी कि हम बोलते हैं बेसिकली घाट बन गया आम भाषा में, तो वो क्या है साइड के जो आपके किनारों का जो ढाल है वो मंद हो गया, यानी कि जो तीर ढाल तक खड़ा हुआ वो कम हो गया, उसको मंद है। इस प्रकार अपवा बेसिन के मध्य विभाजक तब निम्न हो जाते हैं, और कह रहे हैं जो इसका अपवा बेसिन है यानी कि जहां से नदी बह रही उसका क्षेत्र है, उसका विभाजक तत्व निम्न हो जाते हैं जब तक हो ये पूर्णतः समतल नहीं होते हैं, और अंततः एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है, और क्या होता है एक धीमा उच्चावच है उसका निर्माण होता है जिसमें यत्र तत्र अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं, जिन्हें अब जो आपको जो अवशेष धीमा हो गया तो जो आपको अलग अलग छोटे छोटे जो आपको चट्टाने के अवशेष दिखाई देंगे वो क्या है मैकडोनाल्ड, यानी कि यही चट्टानों के जब शेष हैं क्या कहलाते हैं मैकडोनाल्ड कहलाते हैं। नदी अपरदन द्वारा बनाए गए इस प्रकार के मैदान, अब नदी के अपरदन से जो मैदान बनते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, उच्चावच का निर्माण होता है और जो चट्टानों से जो अवशेष दिखाई देते हैं उनको बोलते हैं मैकडोनाल्ड, और जो मैदान बनते हैं उन मैदान को बोलते हैं संप्राय मैदान या आपका पेनी प्लेन। तो अगर क्वेश्चन आ जाए पेनी प्लेन किससे बनता है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि पेनी प्लेन जल द्वारा निक्षेपित आकृति से या किसी नदी के जो निक्षेपण है उसके द्वारा छोड़े गए डिपोजिशन से आपका पेनी प्लेन का यह पेनी प्लेन एक है पेनी प्लेन जो आपका वायु से बनता है, ये कौन बना रहा है पेनी प्लेन। प्रभावित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था की स्थल स्वरूप संबंधी विशेषताओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, कि जितने भी विशेषता है आप उनका संक्षिप्त में डिस्क्रिप्टिव रूप में आप उनको उनका क्या करना है आपको विवेचना करनी है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि इस अवस्था में नदियां बहुत कम होती हैं, कह रहे ये ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में अगर आप देखोगे तो जो आपकी नदियां हैं वो बहुत कम संख्या में होती है, युवा अवस्था की बात हो रही है बेसिकली यूथ। चलिए यूथ को थोड़ा सा हम बाद में पढ़ेंगे, एक मिनट पहले जितना स्ट्रक्चर पढ़ा है इसको समझिए, यहाँ तक किसी का कोई कारण है कोई डाउट है कोई चीज समझ नहीं आई है पूछ लीजिए, मैं डोनाल्ड स्थिति क्या है देख लिया। चलिए थोड़ा सा पीछे देखते हैं एक बार, तो आपको क्लियर हुआ मैकडोनाल्ड स्थिति क्या है, तो जो यंत्र तंत्र अवरोधी हैं, जो चट्टाने हमको कुछ रास्ते में जो चीजों रास्ते में बहुत बड़ा शिलाखंड था या कुछ छोटे छोटे पार्ट थे नदी अपरदन उनको काट गया और कुछ अवशेष हमको बच गए उनको बोलते हैं मैकडोनाल्ड, क्लियर है। आप उसी से कुछ मैदान बनते हैं अपरदन से उसको पेनी प्लेन कह दिए हम, क्लियर है, ठीक है। और जब मध्य अवस्था में आती है तो कटाव धीमा हो जाता है ढाल भी मंद हो जाते हैं, और युवा अवस्था में सर्वाधिक आपका चूड़ी होती है नाली अपरदन करती है संकीर्ण घाट बनाती है, ठीक है, और ढाल धीमा कैसे होता है उनकी स्थिति क्या है ये सारी चीजों को हम लोग इसमें आपका बहुत अच्छे से आपका देख चुके हैं कि स्थिति क्या है कैसे उनका भूभाग बनता है और किन प्रदेशों में आपकी वर्षा अधिक होती है और वर्षा अधिक से आपका नदी सरिताओं में पानी भर जाता है। एक इसमें जिक्र है रेखीय प्रवाह, रेखीय का मतलब होता है सीधा प्रवाह होता है सीधी बहती है जल, बारिश पड़ी वर्षा हुई और पूरे के नाले घर कर रोड पर आपका कहीं भी बस हल्का ढाल मिलना चाहिए उसी दिशा में आपका सीधा जल बहने लगता है। और दूसरा आपको पता नदी घाटी के स्वरूप में जो है वो आपका बहता है और वो ही उसकी एक बेसिकली आपका सरिता के रूप में हम उनको समझ सकते हैं, क्लियर है। तो ये सारी स्थिति है और नदियों की तीनों अवस्था है उनके पहलू हैं, तो इस चैप्टर में हमने उन पहलुओं को उनको देखा। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर ओवरऑल हमने पढ़ा है
लेकिन स्थिति बनती कैसे है, आकृति आप बन कैसे रही, इसके हमारा कल का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर है? तो आप लोग कल का लेक्चर बिल्कुल मिस ना करें और जितना आज पढ़ा उसको रिविजन करें। जो भी कोई डाउट बनेगा सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपका डाउट सुनेंगे मैं आपका, और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।